अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना लास्ट लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा और आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, डेली बेसिस पर अपने लेक्चर याद करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने बात की थी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमने देखा था कि हम गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए ह्यूमन बींग्स में किस तरह गैसेस एक्सचेंज होती हैं, गैसेस एक्सचेंज बेसिकली प्रोसेस क्या है, वो हमने देखा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का है। तो ह्यूमन बींग्स में हमें पता है कि हम अपने माउथ के थ्रू, मुंह के ज़रिए या फिर नोस्ट्रियल यानी नोस के ज़रिए से सांस इनहेल और एक्सहेल यानी अंदर और बाहर लेके जा सकते हैं। तो अगर ये तरीका पौधों में हमने पढ़ना हो गैसियस एक्सचेंज, तो सोचें फिर उसमें कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। सोचने वाला सवाल है ये जी। तो बताएं, है आपके पास इसका जवाब? उनके पास तो ना नाक है ना मुंह है, वो कैसे करते होंगे गैसेस एक्सचेंज? जी, तो इसका सवाल ये जवाब ये है कि पौधों में स्टोमेटा और छोटे स्टेम, उनके स्टेम्स में एयर स्पेसेस होती हैं। ठीक है, उसके थ्रू, उन स्पेसेस के थ्रू और स्टोमेटा के थ्रू पौधों में गैशियस एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक गैशियस एक्सचेंज, जो कि है पेज नंबर 2 पे। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द इन्वायरमेंट। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द इन्वायरमेंट बाय इट्स ओन। ठीक है, द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। कहता है जो लीव्स और यंग स्टेम्स हैं उनके पास स्टोमेटा होता है। द गैशियस एक्सचेंज अक्कर थ्रू दीज स्टोमेटास। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, मेसोफिल एंड स्टेम्स ऑल्सो हैव एयर स्पेस अमंग दैम विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यानी ये दो पॉइंट्स हैं, एक स्टोमेटा और एक एयर स्पेसिस, इनके थ्रू पौधों में गैशियस एक्सचेंज होती है। साइड पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, इन दो एयर स्पेस और स्टोमेटा के अलावा कहता है यंग स्टेम्स और लीव्स के पास ना गैशियस एक्सचेंज करने का एक दूसरा तरीका होता है जो कि क्यूटिकल है, विच इज़ प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस। ठीक है, ये भी आपने याद करना है। अब आप आ जाएं यहाँ पर, हमारे पास गैशियस एक्सचेंज करने के लिए पौधों के पास डे टाइम और नाइट टाइम दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, अच्छा एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि नाइट टाइम में पौधों के नीचे नहीं जाना चाहिए, सांस का मसला हो जाता है। या पुराने वक्तों में ये कंज्यूम किया जाता था कि जिन चिपक जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। तो वो बेसिकली होता क्या है, हमें सांस लेने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की, हमें ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन नाइट टाइम में पौधे क्या प्रोड्यूस करके एनवायरनमेंट को दे रहे होते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं होती सांस लेने के लिए, क्योंकि हम जब सांस लेने के लिए हवा को अंदर लेके जाते हैं ना, हमने ये डेफिनेशंस में भी पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन को उसमें से पिक करते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम क्या प्रोड्यूस करके बाहर एनवायरनमेंट को देते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एनवायरनमेंट से ही हमें बहुत ज़्यादा मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलना शुरू कर देगी, तो वहाँ हमें इशू होगा सांस लेने में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। तो बेसिक वजह ये होती है, नाइट टाइम में पौधे के नीचे इसीलिए नहीं जाते क्योंकि नाइट टाइम में जो उसके अंदर प्रोसेस चल रहा होता है ना, वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनवायरनमेंट को दे रहा होता है। ठीक है, तो ये वजह होती है रात के वक्त पौधे के नीचे ना जाने की। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, वहाँ पे लिखा है कि लीव सेल फेस टू सिचुएशंस। कौन कौन सी दो सिचुएशन है, एक डे टाइम की और एक नाइट टाइम की। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो डे टाइम में होता है क्योंकि सनलाइट में होना होता है और ये पॉसिबल ही डे में है। एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। कहता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है ना डे टाइम में, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल लेवल पे जाके रेस्पिरेशन को पॉसिबल कर रहा है। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। क्या कहा है यहाँ तक उसने कि डे टाइम है, फोटोसिंथेसिस हो रही है जो क्या प्रोड्यूस करवा रही है, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन करवा रही है, सेल लेवल पे रेस्पिरेशन करवा रही है।
और फिर उसके नतीजे में क्या हो रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है, जो कौन इस्तेमाल कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए पौधा। हाउ एवर ड्यूरिंग नाइट, यहाँ तक जो प्रोसेस था ना, ये डे टाइम का प्रोसेस था, ठीक है। अब आप देंगे हेडिंग नाइट टाइम की और स्टार्ट करेंगे, हाउ एवर ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, बिकॉज हमें पता है कि सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होती है, नाइट में हो ही नहीं सकती, अक्रिंग द लीव सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट। नाइट टाइम में क्या कर रहा है पौधा, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन। हम क्यों नहीं उसके नीचे जा रहे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उन्हीं से ऑक्सीजन ले रहा है ना, वो फिर ऑक्सीजन खींचना शुरू कर देता है और क्या करता है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। यहाँ तक नाइट टाइम का प्रोसेस है, ठीक है। आज हम करेंगे यहाँ तक ही, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने कल वाले लेक्चर में करेंगे। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, समझिएगा, कुछ मुश्किल नहीं था। सिर्फ हमने देखा कि पौधे में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, तो वो 3 पॉइंट्स हमने देखे, स्टोमेटा देखा, फिर हमने एयर स्पेसिस देखी, फिर हमने क्यूटिकल देखा। उसके बाद हमने देखा कि दो टाइमिंग की सिचुएशंस होती है, एक डे टाइम और एक नाइट टाइम। डे टाइम में हमने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस होती है, प्रोड्यूस हो रही है ऑक्सीजन, वो जा रही है सेलुलर सेल लेवल की रेस्पिरेशन करवाने के लिए, उसके नतीजे में बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा इस्तेमाल कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नाइट टाइम में क्या होता है, एनवायरनमेंट से पौधे ने ऑक्सीजन लेनी होती है, और उसके नतीजे में वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वो किसको देता है, एनवायरनमेंट को, ठीक है। यहाँ तक आपने याद करना है, ठीक है, ओके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।